भोपाल के सबसे बड़े शासकीय हमीदिया चिकित्सालय कैंपस में बने कमला नेहरू अस्पताल के चाइल्ड वार्ड के तीसरे फ्लोर पर बीती रात आग लग गई। इस हृदय विदारक घटना में चार बच्चों की मौत हो गई, इनमें तीन की मौत दम घुटने से हुई है। तीन घंटे की मशक्कत के बाद देर रात फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि जिस वार्ड में आग लगी वहां करीब तीन दर्जन से अधिक बच्चे भर्ती थे। आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट कारण बताया जा रहा है। हादसे में जिन बच्चों की मौत हुई है उनके परिजनों को सरकार ने 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। अरे यार, News 24 और मुझे जैसे ही पता लगा 10-15 मिनट के अंदर मैं भी स्वयं पहुंच गया था। हमारे अधिकारी भी आ गए, डीन और सुप्रिंटेंडेंट भी आ गए। हमने स्वयं अंदर जाकर बच्चों को शिफ्ट किया। जो SLCU डिपार्टमेंट का है उसमें ऐसा लगता है, क्योंकि ये तो जांच का विषय है, पर ऐसा लगता है शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। और जब हम अंदर गए तो पूरा अंधेरा था, धुआं भरा हुआ था। हमने बच्चों को बगल के वार्ड में शिफ्ट किया, हमने स्वयं उठा के शिफ्ट किया। हमारे सभी डॉक्टर्स आ गए थे, डॉक्टर्स की बड़ी टीम, जूनियर डॉक्टर्स। स्थिति बहुत ही भयावह थी और सब बच्चों को शिफ्ट किया। ये दुख का विषय है कि चार बच्चों की मृत्यु हुई है। भाई इसको मेरी इधर कल धक्का तो दे रहा हूँ। पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। SES मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ मोहम्मद सुलेमान जी इस पूरे घटनाक्रम की जांच करेंगे। माननीय जो गए हैं उनके लिए बहुत संवेदनाएं हैं, वो उनकी भरपाई तो की नहीं जा सकती, पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिन बच्चों की मृत्यु हुई है उनके पेरेंट्स को 4 लाख की सहायता मैंने कहा वो तो लाए नहीं जा सकते, उस दुख की भरपाई नहीं हो सकती। 4 लाख रुपए की घोषणा। बताया जा रहा है कि जिस चिल्ड्रन वार्ड में आग लगी है उसे नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाना था, उससे पहले ही ये हादसा हो गया। कई लोगों को स्ट्रेचर से बाहर निकालकर दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। बच्चों के परिजनों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। ऐसे में बच्चों को ढूंढने के लिए अफरा तफरी मच गई है। उधर शासकीय कमला नेहरू अस्पताल के तीसरे फ्लोर पर लगी आग को मौके पर पहुंची दमकल की 12 गाड़ियों की मदद से काबू पाया गया। सूचना मिलते ही चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, विधायक आरिफ मसूद भी अस्पताल में पहुंचे। घटना स्थल पर देर रात तक अफरा तफरी का माहौल रहा। अस्पताल का पूरा परिसर बच्चों के परिजनों की चीख पुकार से गूंजता रहा। अस्पताल से बाहर निकले विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि पूरी घटना बहुत गंभीर है। उन्होंने कहा कि अस्पताल का पूरा स्टाफ अपनी जान पर खेलकर बच्चों की जान बचाने में लगा हुआ है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कैजुअलिटी तो बहुत बड़ी है घटना, लेकिन डॉक्टर्स टीम को चाहिए, चाहे वो जूनियर डॉक्टर हो, जूडो हो, ग्राउंड स्टाफ हो, जो हालात ऊपर देखकर आया हूँ मैं उन सबके लिए कहूँगा कि स्टाफ बहुत मेहनत से लगा है और पूरी कोशिश है। और बहुत अर्लीस्ट होगा ये कहना कि क्या होगा, लेकिन मालिक से यही दुआ है कि अभी तक ऐसी कोई स्थिति बच्चों की नहीं है और डॉक्टर पूरी ताकत से मेहनत के साथ शिफ्टिंग कर ली गई है। जो बर्निंग वार्ड थे जिस जगह पे ये हादसा हुआ वहाँ से उन बच्चों को शिफ्ट कर लिया गया है, दूसरे तीन वार्डों में कर लिया और पूरी टीम वेंटिलेटर भी चला रही है, जो जो बन सकता है वो करा जा रहा है। और अभी मैं यही कहूँगा कि फायर सिस्टम का फेलियर एक बहुत बड़ा है, उसकी वजह से ये सारा एक संकट खड़ा हुआ है, लेकिन मालिक से दुआ करिए कि अभी तक की तो स्थिति में कोई ऐसा लगता नहीं है, लेकिन मालिक तीन लोगों की बात आ रही है अभी गंभीर बता रहे हैं। जाहिर है नाजुक बच्चे हैं और वेंटिलेटर पर सब आ गए हैं, लेकिन क्योंकि जब डॉक्टर्स पूरी ताकत से मेहनत कर रहे हैं तो ऐसे वक्त में समझता हूँ कि किसी के ऊपर दोषारोपण करना ये गलत होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना पर दुख जताते हुए मामले में हाई लेवल जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल के चाइल्ड वार्ड में आग लगने की घटना दुखद है। बचाव कार्य तेजी से हुआ, घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं।
जांच ACS लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मोहम्मद सुलेमान करेंगे। कमला नेहरू अस्पताल में बच्चों के वार्ड में शॉर्ट सर्किट से लगी आग के बाद नवजातों के परिजनों की चीख पुकार मची रही। हालांकि आग लगने के बाद उन्हें अस्पताल परिसर के बाहर ही रोक लिया गया, जिससे वह और ज्यादा परेशान हो गए। हादसे में 4 बच्चों की मौत हुई है, वहीं कई बच्चों की आग से झुलसने की खबर है। साथ ही अस्पताल स्टाफ के भी कुछ स्वास्थ्य कर्मी और वार्ड बॉय भी हादसे में झुलसे हैं। इतने कमीने लोग हैं, क्या करा डॉक्टर लोगों ने, कैसी सुविधा है यहाँ पे, कुछ नहीं करा डॉक्टरों ने। कौन है, कौन को नेता बचा रहा, हमारे बच्चों को बचा कर लाकर दे, हमारे बच्चों को बचा कर लाकर दे, क्या अगर हमारे बच्चों को बचा कर लाकर दे तो माँ दिक्कत लेता है। अचानक आग लग, कैसे पता लगा आपको? हम तो घर जा रहे थे भैया, मिलने ही नहीं दे रहे थे, सब लोग भागते हैं, बच्चों को लेने घर से, बच्चों को लेने नहीं दे दिया। हादसे के पीछे अलग अलग वजह बताई जा रही है। कुछ ने सिलेंडर या वेंटिलेटर में ब्लास्ट होना बताया है, वहीं शॉर्ट सर्किट की भी आशंका से इनकार नहीं किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर रिपोर्ट मांगी है, साथ ही अस्पताल प्रबंधन को बच्चों की सुरक्षा और इलाज के निर्देश दिए हैं। हमीदिया अस्पताल परिसर में 7 अक्टूबर को भी नई बिल्डिंग में दूसरे तल पर ठेकेदार के स्टोर रूम में आग लग गई थी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने 1 घंटे में इस पर काबू पाया। हालांकि राहत की बात ये रही कि इससे बहुत नुकसान नहीं हुआ। मृदुभाषी के लिए भोपाल से मोहम्मद ताहिर खान की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।